जी आप लोगों के सवाल हम ले लेते हैं। शाकिर साहिब और फैज़ अहमद साहिब ये दोनों ने हमसे सवाल किया है कि एक रिवायत है मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी है और इसके अलावा भी अबू दाऊद में, तिर्मिज़ी में, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी। कह रहे सर इस रिवायत से मुतालिक आप कलाम कर दें क्योंकि इसमें ज़िक्र है कि 30 साल खिलाफत रहेगी और उसके बाद बादशाहत आएगी और वो बादशाहत उदूदा होगी, एक ज़ालिमाना किस्म की बादशाहत होगी। इस रिवायत से मुतालिक आप कलाम कर दें। नीज़ फैज़ अहमद साहब हमें ज़िक्र कर रहे हैं कि मुहद्दिस अल्बानी साहब ने इस रिवायत को हसन करार दिया है। मैं बिल्कुल इसकी वजाहत कर देता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला मुझे समझाने की तौफीक अता फरमाए अच्छे अंदाज़ के अंदर। देखिए मोहतरम भाई, अगर आप हमारे लेक्चर सुनते हैं, मैंने एक चीज़ कई दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से वाजे कर चुका हुआ हूँ कि हमारे सामने कुरान अलग चीज़ है, रिवायात हमेशा अलग चीज़ होती है। रिवायात कभी भी कुरान पाक के मुकाबले में नहीं आती। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी किताब है जो अपनी किताब होने में ही मौजज़ा है। इसमें अल्लाह फरमाते हैं लौकाना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदूफी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह का कलाम ना हो तो इसकी बातें आपस में टकराती फिरें। तो ये बहुत बड़ा ऐब होता है, याद रखिएगा। बातों का टकरा जाना जिसे हम तहारुस कहते हैं, ये बहुत बड़ा ऐब है। कुरान पाक के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं मिलता। अगर कहीं किसी को मुताला करते हुए बज़ाहिर ऐसा लगे भी कि यार यहाँ तारुज़ है, थोड़ा सा गौर फिक्र करेगा, तारुज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला का कलाम अपनी जगह पर बिल्कुल कामिल तौर पर परफेक्ट होता है। रिवायात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चूँकि बाद में जमा की गई, इसके अंदर बहुत से लोगों ने झूठ बोला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मुक़द्दस नाम लेकर उलमा ने मेहनत की, उसको छाना, सनद में चेक करना, मतन में चेक करना, ये पूरा एक प्रैक्टिस रही। फिर एक दौर में फितना ये आया कि जब लोगों को अच्छी तरह पता चल गया था कि सही सनद के नाम ले लो ना, चेन में तो मुहद्दिसीन कबूल कर लेते हैं। फिर वो अपनी तरफ से सही सनद की चेनें बना बना कर भी झूठ बोलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, अपने फ़िरक़े को तक़वियत देने के लिए, अपने मक़ासिद को हासिल करने के लिए। यहाँ फिर हमारे उलमा इकराम ने गौर फ़िक्र किया और ऐसी रिवायतों को भी दूर निकाला। अल्लाह ने यह काम लिया है। और सबसे बुरी अलामत याद रख लीजिएगा रिवायत के अंदर कि जहाँ पता चल जाए कि ये रिवायत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक से नाम ले दिया लेकिन हम उससे कोई इस्तदलाल नहीं कर सकते, रिवायात के अंदर आने वाला तारुज़ हुआ करता है, टकराओ। देखें चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो दीनी हवाले से होगी वो एक वही की किस्म है और अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया लौकाना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। वही की शान यही होती है, उसमें भी टकराव नहीं मिलता, तारुज़ नहीं मिलता। अब ये जो पर्टिकुलर रिवायत आपने जिक्र की है, मैं इसको समझाता हूँ। देखें आपने मुझसे जिक्र कर दिया कि मुहद्दिस अल्बानी साहब ने इसकी सनद को सही हसन करार दिया है, सिलसिला सहीहा के अंदर ठीक हो गया। मैं इसको सनद में हसन मान रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसकी सनद पे कलाम करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसकी सनद भी ठीक नहीं है। हसन क्यों कहा पहले पता होना चाहिए। मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बयान कर देता हूँ कि इसकी सनद को हसन मुहद्दिस अल्बानी साहब ने क्यों कहा। या इसी तरीके से जो मुहक्किक हैं शुएब, उन्होंने मुस्नद अहमद बिन हम्बल की इस वक्त तहकीक की, उन्होंने भी हसन क्यों कहा। दोनों की तहकीक मुकम्मल पढ़ लीजिएगा। देखिएगा जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रिवायत हज़रत हुज़ैफ़ा से आई है वो रिवायत भी इस मुस्तकिल तौर पर सही नहीं है। उसके अंदर आप एक रावी है जिसे पढ़ेंगे दाऊद बिन इब्राहिम, आप मुताला कर लीजिएगा। मौक़िकीन ने जिक्र किया ज़ईफ़ रावी है। इसको सिवाय तयालिसी के किसी की तौसीक मिली नहीं है और तयालिसी ख़ुद रावियों में कहलाता है, वो मुहद्दिसीन या साहिब जरा कहलाता ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उसमें भी रावी मुस्तकिल तौर पर वो सनद ठीक नहीं है। इस तरीके से जो अबू दाऊद की रिवायत है सईद बिन जुहमान माली, ये जो रिवायत है सफ़ीना शख्स से जो आई है, इस रिवायत की सनद भी ठीक नहीं है क्योंकि सईद जिसका मैं नाम ले रहा हूँ इसी रिवायत के अंदर मुहद्दिस अबू दाऊद ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया। इसके अलावा इमाम बुखारी ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया, हातिम राज़ी ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया, फिर अली इब्न अल-मदीनी साहब ने भी इस रावी को ज़ईफ़ करार दिया। ज़्यादा ज़हन में रखिएगा दोनों सनदें मुस्तकिल तौर पर ज़ईफ़ थी। इस्तिक़लाली तौर पर ये भी ज़ईफ़ थी, इस्तिक़लाली तौर पर ये भी ज़ईफ़ थी। मुहद्दिस अल्बानी साहब की तहकीक अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जिक्र ये किया कि इसके अंदर थोड़ा जो ज़ौफ़ था वो इस तुर्क से दोनों को मिला करके, जिसे कहते हैं कभी कभी ज़ईफ़ और दो तरह के तुर्क ज़ईफ़ के मिल जाते हैं और उसका मजमून काफ़ी कदर मुश्तरक होता है, तो उसके ज़ौफ़ को निकाल के हम हसन दर्जे तक जा सकते हैं। इस तहकीक में आकर मुहद्दिस अल्बानी साहब ने इस रिवायत को हसन करार दिया। मैं हसन मान रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर सनद पे कलाम कर दूँ तो आप बोलें यार इस बंदे ने तो रावी में नक्स निकाल दिया। आप इसको बिल्कुल ठीक माने, सनद के अंदर ये रिवायत हसन है मुहद्दिस अल्बानी के तहकीक के अंदर, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। और वो ये इस रिवायत का नतीजा निकालिएगा आप क्या है। इस रिवायत का नतीजा ये निकल रहा है अबू दाऊद की रिवायत या मुस्नद अहमद बिन हम्बल की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक जुमला आया कि हमारे बाद खिलाफत होगी 30 साल, इसके बाद फिर बादशाहत होगी, ज़ालिमाना किस्म की बादशाहत होगी। यही नतीजा निकला और हर बंदा जानता है, मशहूर भी यही है कि सबसे पहले खिलाफत ख़त्म होने के बाद मलूकियत वो सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस बात में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। इस रिवायत से नतीजा ये निकल गया कि जैसी खिलाफत नबूवत ख़त्म होगी इसके बाद ज़ालिमाना बादशाहत शुरू हो जाएगी। सर अब देखें कि मैंने आपको पहले कहा कि रिवायात के अंदर जब तारुज़ हो जाता है ना, जब बातें टकराने लग जाए, यही सबसे बड़ा ऐब हुआ करता है। आपने मुझे मुहद्दिस अलबानी साहब का रेफरेंस दिया, मैं आपको कह रहा हूँ जिस जगह मुहद्दिस अलबानी साहब ने इस रिवायत को हसन करार दिया है वो दोबारा निकालें, दोबारा स्टडी करें। मैं आपको रेफरेंस भी यहाँ दे दूँगा, आप दोबारा जाएँ सिलसिला सहिया के अंदर मुहद्दिस अलबानी, इसलिए कि मुहद्दिस अलबानी साहब ने जिस वक्त इस रिवायत को हसन करार दिया जिसमें जिक्र है हुज़ैफ़ा वाली के बाद खिलाफत नबूवत होगी पहले और उसके फ़ौरन बाद बादशाहत होगी ज़ालिमाना किस्म की, इसके फ़ौरन बाद मुहद्दिस अलबानी तबरानी की एक रिवायत लेकर आए हैं मजमा ज़वाइद की भी, उसकी सनद लिख करके आगे मुहद्दिस अलबानी ने कहा इसकी सनद भी बिल्कुल जय्यद किस्म की है और इस रिवायत को भी हम हसन करार दे सकते हैं। और मुहद्दिस अलबानी साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा कि यह मुस्तकिलन हसन रिवायत है, जो जिस रिवायत की मैं बात कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा पीछे की जो रिवायत है कि हमारे 30 साल खिलाफत नबूवत होगी और इसके बाद डायरेक्ट जालिमाना बात, इसके दो तरीक़ थे, दोनों में जोफ था, दो ज़ईफ़ मिल के हसन हो गई। लेकिन जिस तरीक़ की मैं बात कर रहा हूँ इसी के तहत मुहद्दिस अलबानी साहब ने तहकीक करते हुए जिक्र किया कि तबरानी की ये रिवायत अपने अंदर ही हसन रिवायत है। उसका मफहूम पढ़ लीजिएगा क्या है, उसका मफहूम यह कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौसूलन और मुत्तसिलन ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे पहले नबूवत होगी, नबूवत के बाद खिलाफत नबूवत होगी, तीसरे नंबर पे बादशाहत होगी मुल्कन व रहमतन, लेकिन वो रहमत वाली बादशाहत होगी। इसके बाद फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे फरमाया जब रहमत वाली बादशाहत ख़त्म हो जाएगी फिर जालिमाना बादशाहत शुरू होगी। इस रिवायत को भी मुहद्दिस अलबानी साहब ने सही हसन करार दिया। अब दो हसन रिवायतें आपके सामने आ गई। एक रिवायत कह रही है कि पहले खिलाफत होगी, खिलाफत के बाद फ़ौरन जालिमाना बादशाहत आ जाएगी। दूसरी हसन रिवायत आपको कह रही है कि पहले खिलाफत होगी फिर रहमत वाली बादशाहत आएगी, जालिमाना बादशाहत इसके बहुत अरसे बाद आएगी। सर अब मुझे आप बताएं दोनों रिवायतों में टकराव है या नहीं? दोनों से नताइज अलग निकल रहे हैं, क्योंकि पहले वाली रिवायत से नतीजा निकलेगा कि खिलाफत के बाद फ़ौरन जालिमाना बादशाहत आ जाएगी। इसी के तहत हज़रत अमीर मुआविया का दौर आप बीच में डाल देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली सही हसन सनद का जो इमाम मुहद्दिस अलबानी जिक्र कर रहे हैं उसका नतीजा कहाँ भूल रहे हैं? उसका नतीजा ये कि खिलाफत के बाद मलूकियत रहमत वाली आई, नतीजा बिल्कुल चेंज हो गया। अब सवाल यह है कि दो एक दर्जे की रिवायत, हालांकि एक दर्जे की रिवायत नहीं है क्योंकि पहले वाली दो ज़ईफ़ मिल के हसन हुई, ये वाली तबरानी की जो रिवायत है ये अकेली ही रिवायत हसन है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ दो हम पल्ला दलाइल ले लो, हम पल्ला दलाइल होने के बावजूद भी टकराव पैदा हो गया या नहीं हो गया? अब बताएं आप किस रिवायत को मानेंगे, किस रिवायत को छोड़ेंगे, किसको अल्लाह के नबी का फरमान बोलेंगे, किसको अल्लाह के नबी का फरमान नहीं बोलेंगे, कौन सी बात अल्लाह के नबी से है, कौन सी बात झूठी है। इसीलिए हदीस की राह की तहकीक बहुत अलग होती है। ये दो राहें, मैं दो सनदें आपको मैंने बता दी, अब मैं आपको एक तीसरी सनद बताऊँ। हज़रत हुज़ैफ़ा का नाम लेके बाज़ लोगों ने कहा कि खिलाफत 30 साल होगी उसके बाद ज़ालिमाना बादशाहत। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का नाम लेके सही सनद की बात आ गई कि पहले खिलाफत होगी फिर रहमत वाली बादशाहत होगी और उसके बाद जाके बहुत अरसे बाद जालिमाना बादशाहत आएगी। एक तीसरी रिवायत मैं आपको बयान कर देता हूँ, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न अब्बास, और एक और रिवायत है हज़रत सुमामा की, बदरी सहाबी हैं, और ये सनद सही के साथ मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। जिसका दिल चाहे जाके चेक कर ले, तारीख़ कबीर में भी इमाम बुखारी इसको लेकर आए हैं, इसके अलावा भी इसके रेफरेंसेज हैं जो आपके सामने आ जाएंगे। जिस वक्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे और आपको शहीद कर दिया गया था और आपका लाशा रखा गया, उस वक्त आपके लाश के साथ भी बेहुरमती की गई थी, ये भी सही सनद के साथ जिक्र है। जिस वक्त आपका ये सारा मामला हो गया, बदरी सहाबी थे हज़रत सुमामा बिन आदी, जब उनको पता चला कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, सुमामा आए, चूँकि बदरी सहाबी थे, बड़े सहाबी थे, हर बंदा जानता था, इज़्ज़त भी करता था। आप रोने लग गए और लोगों को जमा किया, कहा मैंने खुतबा देना है, आप सब बैठे, खुतबा दिया आपने। हज़रत सुमामा ने उस खुतबे के अंदर कहा लोगों सुन लो, और हज़ारों कतार साथ रोते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा सुन लो, उस्मान आज शहीद हो गया है, खिलाफत नबूवत ख़त्म हो गई, यही वक्त था खिलाफत नबूवत के ख़त्म होने का, अब स्टार्ट होगी ज़ालिमाना बादशाहत। सही सनद की ये रिवायत है तारीख़ कबीर की, इसके अलावा भी इसके रेफरेंसेज हैं, जाके चेक कर लें। इस्नादहु सही मौसूल, मुहद्दिस इब्न हजर अस्कलानी ने भी इसकी तहकीक कहा बिल्कुल सनद इसकी सही है, कोई इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। सर ये तीन वर्जन आ गए, पहला वर्जन हज़रत हुज़ैफ़ा का 30 साल खिलाफत होगी उसके बाद ज़ालिमाना बादशाहत होगी। दूसरी हसन रिवायत आ जाती है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, 30 साल खिलाफत होगी उसके बाद रहमत वाली बादशाहत होगी। तीसरी एक और सनद सही आ जाती है सुमामा बिन आदी जी की, वो कहते हैं कि उस्मान गनी के कत्ल तक की बात थी, बस उस्मान गनी का कत्ल हो गया, अब खिलाफत ख़त्म, अब है वो ज़ालिमाना। अब बता दें वो ज़ालिमाना अगली हुकूमत किसकी आई थी? सर ये तीन रिवायतें, तीनों का मफहूम अलग है, तीनों का मजमून अलग है। मैं सिर्फ इन तीन रिवायतों तक छोड़ रहा हूँ, वरना हज़रत हुज़ैफ़ा का वर्जन भी यहाँ मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा ने भी उस्मान गनी के कत्ल पे स्टॉप कर दी थी, कहा कि बस खिलाफत नबूवत की रहमतें यहीं पर ख़त्म है। अबू मूसा अशरी की भी सही सनद की रिवायत मेरे पास मौजूद है, वो भी हज़रत उस्मान गनी के कत्ल के बाद कहते थे बस खलास, अब कोई खिलाफत नबूवत नहीं, आप सब जुल्म है, आप लोग रो और आप लोग कभी मिल के भी नमाज नहीं पढ़ सकोगे। इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी भी सही सनद की रिवायत मौजूद है। उस्मान गनी के कत्ल के ऊपर इन्होंने खड़े हुए कहा था बस ख़त्म हो गया, आप मुसलमान इकट्ठे नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, अब नबूवत की रहमत है खलास। तो सर आप बताएं नतीजा क्या निकालेंगे आप? ये तीन तरह के वर्जन आए हैं सहाबा से, तीनों के नताइज अलग हैं, तीनों से उसका मफहूम और मजमून अलग है। अगर आप नतीजा निकाल सकें तो मेरे पास आ जाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि फ़न हदीस के अंदर जब तुर्क को जमा कर लिया जाता है कि एक मजमून की बातें, उसके तारुज़ से, उसके इख्तलाफात से पता चल जाता है कि इस बात के अंदर वज़न कितना है या लोगों की बनाई बातें। अल्लाह की वही हो लवजादू फी इख्तलाफन कसीरा, इख्तलाफात उसमें नहीं मिला करते। यही वजह याद रखिएगा, ये जो तीनों रिवायतें हैं, तीनों रिवायतें ठीक नहीं हैं, तीनों में शदीद किस्म का तारुज़ है। मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। नंबर एक, अगर आप पढ़ें अबू बकर इबन अरबी मालिकी मुहद्दिस गुजरें, इनकी किताब है अल-अवासिम, और इतनी ज़बरदस्त किताब है कि हर इंसान को पढ़नी चाहिए कि ये फ़ितनों के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद से लेकर ये जितने सहाबा इकराम इख्तलाफात हुए, एक एक किस्सा कहानी को जो ज़ईफ़ सनद के साथ, बातिल सनद के साथ, झूठी सनद के साथ, मुतारिज़ रिवायतें सब जिक्र करके छांटी करके चले गए। ऐसी नायाब किताब लिख के गए हैं कि पढ़ के हर एक के सामने हकीकत आ जाती है कि इतना झूठ मिलाया हुआ है लोगों ने। लिहाजा उन्होंने भी मोहम्मद अबू बकर इबन अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-वासिम किताब में पूरी तहकीक की है, रिवायतें ला करके कहा कि इतनी मुतारिज़ रिवायतें, तीन सही सनद के वर्जन हमारे पास आ गए, किसको चुने और किसको नहीं। इसका मतलब बिल्कुल वाजह है कि इस फितना होने के बाद लोगों ने अपने मकासद के लिए ये रिवायतें बनाई हैं। देखें, जिसने मकसद पूरा करना चाहा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनको हदीस के मुताबिक मैं साबित करूँ कि ये जालिम थे, उसने ये वर्जन बना लिया सही सनद के साथ, उसने कहा 30 साल नबूवत है, उसके बाद देखो जालिमाना बादशाह। नंबर दो, जिस शख्स ने कहा कि नहीं मैं अगले दौर को रहमत के अंदर डालूं, उसने रहमत वाला वर्जन ले लिया। और एक तीसरा वर्जन था नासबियों का, ये तो राफजियों का हो गया, एक नासबियों का वर्जन था। नासबियों के वर्जन ने कहा कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत कोई ज़ालिमाना बादशाहत में डालें, उन्होंने ये रिवायत चुन ली जो मैं अब्दुल्ला बिन सलाम के हवाले से या सुमामा बिन अदी के हवाले से बयान कर रहा हूँ कि उस्मान गनी के कत्ल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जिक्र किया कि बिल्कुल खिलाफत नबूवत अब ख़त्म हुई है, अब आगे जुल्म ही जुल्म है और बादशाहत होगी जुल्माना। हज़रत अली का दौरे खिलाफत उन्होंने बीच में डाल दिया। तो ये तीनों तरह के जो तरीक़े ये बता रहे हैं कि लोगों के फ़िरक़ों ने अपने अपने फ़िरक़ों के हिसाब से ये तीनों रिवायतें बना ली। इसलिए मुहक्किक उलमा किराम ने इनमें से रिवायतों को कबूल नहीं किया। इस बहुत कसरत के साथ उलमा गुजरे हैं जिन्होंने इन रिवायतों को कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। और मुझे उम्मीद है शाकिर साहब और फैज़ अहमद साहब आपको समझ में आ गई होगी कि हदीस को, उसके तारुज़ को भी देखना पड़ता है। और ये फितनों के बाद की रिवायतें सारी, इसमें से कोई भी सही सनद आप दिखा लेंगे उसमें क्लैशेज़ हैं, तारुज़ हैं, कोई भी उलमा ने कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैर।